हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल क्रेजी इंग्लिश। उसके पिछले वीडियोस में आपने पढ़ा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में, जिसमें पहला पढ़ा गया था पर्सनल प्रोनाउंस। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता है निजवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, इन ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन इट। टर्न्स बैक अपॉन इट मीन्स रिफ्लेक्स करता है। क्या मतलब हुआ? जब वाक्य में देखिए यहाँ पर जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सारे वर्ड्स यानी पर्सनल प्रोनाउन के जो फॉर्म्स हैं माई, आवर, योर, हिम, हर, देम, इन सब में हम सेल्फ या सेल्फ्स जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। ओके तो बना करते हैं तो इनका, इनके प्रयोग से काम करने का जो असर होता है वो खुद कर्ता पर पड़ता है। तो ऐसे वर्ड्स को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहा जाता है। देखिए यहाँ सारे वर्ड्स यहाँ दिए हैं, द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। When the action done by the subject turns back upon the subject, यानी कि कोई जब कार्य किया जाता है, जो भी काम होता है उस काम का असर खुद कर्ता पर पड़ता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई हर्ट माई सेल्फ, आई से माई सेल्फ हो गया है तो यहाँ माई सेल्फ हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, वी था, वी से हो गया आवर सेल्फ। इसी तरह द बॉयज़ हिट देमसेल्फ, तो द बॉयज़ के लिए देमसेल्फ वर्ड यूज किया गया है। ओनली यू योर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, बॉयज़ के लिए देमसेल्फ। तो इस तरह से ये वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं, ये सारे वर्ड्स जो हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम। देखिए व्हेन माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ऐसे ही एम्फेटिक प्रोनाउंस भी होते हैं, इन्हीं की तरह सेम मिलते जुलते होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ ये सारे वर्ड्स जो हैं इनका प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है तब इन्हें एम्फेटिक प्रोनाउंस कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई माई सेल्फ, मैं, फिर मैं खुद, मैं अपने आप को या स्वयं, ऐसे वर्ड्स जब आते हैं तब वहाँ वो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। दे के साथ देमसेल्व्स, तो ये सारे एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं। तो आप चाहें तो इसको पूरा नोट कर सकते हैं और इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज ना समझ आई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल मीन्स एक दूसरे का उल्टा जो होता है, तो ईच अदर या वन एन अदर, तो यहाँ पर हो गया ईच अदर और वन एन अदर। ईच अदर इज यूज फॉर टू पर्सन ऑफ थिंग्स एंड वन एन अदर इज यूज फॉर मोर देन टू पर्सन ऑफ थिंग्स। जो सर्वनाम दो प्रोनाउन से मिलकर बने और परस्पर संबंध व्यक्त करें उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। यानी ईच अदर और वन एन अदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। ईच अदर एंड वन एन अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स में द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, तो टू ब्रदर्स हैं उनके लिए दे दिया ईच अदर। नेक्स्ट द फोर फ्रेंड्स वन एन अदर, एक दूसरे को, तो एक दूसरे से जो संबंधित होते हैं वो रेसिप्रोकल्स में आते हैं इसलिए इन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, देखिए क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की हिंदी होती है संकेतवाचक सर्वनाम।
संकेतवाचक सर्वनाम, इसमें दिस दैट दीज और दोस का यूज किया जाता है। तो संकेतवाचक सर्वनाम यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी संज्ञा यानी कि नाउन की ओर संकेत करने के लिए होता है, इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। देखिए इसमें मेन दिस दैट दीज दोस यही आते हैं। अब दिस एंड दीज आर यूज्ड फॉर द पर्सन्स और थिंग्स विच आर नियर द स्पीकर। जो स्पीकर यानी बोलने वाले जो फर्स्ट पर्सन के यानी स्पीकर के पास जो होता है वो दिस या दीज में आता है। दिस सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, दीज प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। देखिए दिस इज़ यूज फॉर वन पर्सन और थिंग एंड दीज इज यूज फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ ए पेन, दीज आर गुड पेन्स। तो दिस ये नज़दीक के लिए है, दिस भी नज़दीक के लिए है। दिस जो है दिस नज़दीक में सिंगुलर के लिए है और दिस जो है ये नज़दीक में प्लूरल के लिए है। दैट एंड दोज आर यूज फॉर पर्सन्स और थिंग्स विच आर ऑलवेज अवे फ्रॉम द स्पीकर, यानी कि ये कुछ डिस्टेंस पे होते हैं। दैट इज़ यूज फॉर वन पर्सन और थिंग एंड दोज इज़ यूज फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट इज़ अ बुक, दोज आर गुड बुक्स। तो दैट जो है वो कुछ दूरी पर कोई चीज़ें होती हैं तब उसके लिए दूर पर होंगी और सिंगुलर फॉर्म में होंगी तब दैट का यूज़ करते हैं, और दूर पर जो चीज़ें प्लूरल होंगी उनके लिए दोज का यूज़ करते हैं। ओके तो होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।